एक सवाल है जो हमेशा स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सी लैंग्वेज के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी का जवाब आपको देने वाला हूं कि हमें सी लैंग्वेज के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए पहली बात, और सी लैंग्वेज हमें कितनी आनी चाहिए तब हमें दूसरा कोर्स करना चाहिए। तो ये सवाल का आज मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे, और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सी लैंग्वेज सीखने के बाद उन्हें कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो पहले तो हमें ये देख लेना है कि क्या हमने सी लैंग्वेज सीख ली है, मतलब क्या हम वाकई में रेडी हैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको सी लैंग्वेज में सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए, सारे टॉपिक्स से मेरा मतलब है आपने बेसिक कीवर्ड्स पढ़ा है, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डेटा टाइप्स पढ़े हैं, आपने ऑपरेटर्स अच्छे से पढ़े हैं, आपको इफ एल्स के बारे में पता है, आपको पता है लूप के बारे में, लूप के आपने काफ़ी सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करी हैं, आपने स्विच केस पढ़ा हुआ है, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, DMA, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मैलॉक कैलॉक वगैरह, इतना अगर आपने पढ़ लिया है ठीक, और हर एक टॉपिक पर 20-20 सवाल आपने सॉल्व कर लिए हैं ठीक है, तो अब आप 100% रेडी हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए ठीक है, 100% रेडी। लेकिन मैं एक और चीज बोलूंगा, यदि आपका फंक्शंस चैप्टर तक भी बहुत अच्छे से कमांड हो चुकी है, यानी आपने एटलीस्ट 20-20 प्रॉब्लम्स हर टॉपिक पे करते हुए, इनफैक्ट लूप पे तो शायद और ज्यादा प्रॉब्लम्स, आपने फंक्शन टॉपिक तक पे काफी सारी प्रॉब्लम्स कर ली ठीक। एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, एरे के शायद आपने बहुत ज्यादा नहीं 5-6 सवाल खुद से कर पाए हैं, स्ट्रिंग के बहुत ज्यादा नहीं 5-6 सवाल ही खुद से कर पाए हैं, लेकिन थ्योरी आपने पढ़ रखी है और अभी आप उसको और तराशने के प्रोसेस में ही हो। पॉइंटर आपने पढ़ा है, थोड़ा टफ लगा है, लेकिन उसके बावजूद आपने पॉइंटर पढ़ रखा है, आपको बेसिक्स पता है पॉइंटर के। आपने स्ट्रक्चर टॉपिक भी पढ़ रखा है और स्ट्रक्चर में एकाध प्रोग्राम बनाया है, ज्यादा उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है। DMA में मैलॉक कैलॉक हमने पढ़ा जरूर है, हमें इसके बारे में मालूम जरूर है, इसका सिंटेक्स भी मालूम है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग में कहीं यूज नहीं करा है। अगर आप इस स्टेज पर भी हैं तो भी आप नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए तैयार हैं। देखो, यहीं पर ये जो दूसरी बात मैंने बताई ना, इस स्थिति में ज्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब परफेक्टली पहली बार में सी लैंग्वेज के उन्होंने हर टॉपिक के 20-20 प्रॉब्लम्स कर लिए, ऐसा होता नहीं है। उन्होंने हाफ ऑफ द सी लैंग्वेज यानी फंक्शन चैप्टर तक तो ऐसा किया होता है, लेकिन उसके बाद के चैप्टर्स में उनके प्रैक्टिस थोड़ी कमजोर रहती है। तो ये ज्यादातर लोगों का केस है, तो इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं और इसको एक अलग से बात समझा रहा हूं। अब हमको ये डाउट होता है कि क्या हम सी लैंग्वेज को और अच्छा कर लें उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप पर जाएं, या फिर अभी आगे बढ़ जाना चाहिए, ये कन्फ्यूजन होता है। मेरा सजेशन है आप C++ ज्वाइन करें, अब आप C++ सीखना स्टार्ट करें। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप C++ सीखना स्टार्ट करते हैं आफ्टर सी लैंग्वेज, तो C++ में आपका मेन गोल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझना सीखना। तो वहां कॉन्सेप्ट्स ज्यादा हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये चीजें ज्यादा हैं। क्लास कैसे बनानी है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टर्स का काम क्या होता है ना, ओवरलोडिंग कैसे करते हैं या इनहेरिटेंस कैसे होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप 2 या 3 प्रॉब्लम्स करते हो हार्डली, हाँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगा तो शायद वहाँ पे 10-12 प्रॉब्लम्स होंगी, बट ज़्यादातर आप हर टॉपिक पे 2-3-4 प्रॉब्लम्स करते हो और आप टॉपिक बन गया, क्योंकि उसके प्रोग्राम्स भी थोड़े से लेंदी रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जब आप C++ पढ़ें, और मैं तो देखो पढ़ाते वक्त ये काम करता भी हूं, कि सी लैंग्वेज के टॉपिक्स को रिकॉल कराने के लिए मैं फिर से वही सारे असाइनमेंट्स देता हूं, थोड़ा सा उनका चेंज करके, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, लेकिन पर्पस वही रहता है कि इफ एल्स पर बेस्ड भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, लूप पर भी बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, फंक्शंस पर बेस्ड भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो एरे पर बेस्ड, स्ट्रिंग पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो क्या होता है कि वही जो प्रैक्टिस आपने पहले कर रखी है, अब C++ में प्रोग्राम बना रहे हैं पर टॉपिक्स वही रहेंगे,
तो आपका सी का एक तरह से रिविजन हो रहा है। तो जो लेवल आपने अचीव कर लिया था सी लैंग्वेज में, आप उधर से ही आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और वहां पे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो रिवाइज हो रहा होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि अब वो जल्दी बनने लगता है और कहीं दिक्कत थी तो वो सामने आ जाती है और दूर हो जाती है, तो ये रिविजन जैसा भी हो जाता है। तो आप अगर सोचते कि नहीं अभी मैं सी प्लस प्लस नहीं करता हूँ, अभी पहले सी लैंग्वेज के ही कॉन्सेप्ट को अच्छा तगड़ा कर लेता हूँ फिर मैं नेक्स्ट लैंग्वेज ज्वाइन करूँ, तो दिक्कत ये होती कि आपका समय बहुत खराब हो जाता। और जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, जो लय बनी हुई है सी लैंग्वेज सीखने के दौरान, वही लय में आप सी प्लस प्लस भी सीख जाएं तो समय आपका बहुत बच जाएगा, क्योंकि आगे अभी हमें बहुत कुछ करना है। तो सी के बाद आइडियली आपको सी प्लस प्लस कर लेना चाहिए। और यदि आपके पास मान लीजिए सी प्लस प्लस का ऑप्शन आपको ठीक नहीं मिल रहा है, डेटा स्ट्रक्चर का ऑप्शन मिल रहा है यूजिंग सी लैंग्वेज, तो आप उस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। तो आप चाहे सी के बाद सी प्लस प्लस सीखें या डेटा स्ट्रक्चर सीखें, दोनों में से कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। नो डाउट अबाउट इट कि डेटा स्ट्रक्चर में पॉइंटर स्ट्रक्चर डीएमए के कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस आपने पहले नहीं भी करी है तो डेटा स्ट्रक्चर सीखने के दौरान पहली बार ही उनकी प्रैक्टिस होगी और वो समझ में आ जाएगा, वो इतना मुश्किल नहीं है, वो आ जाता है समझ में। तो आपको अब समझ में आ गया कि कब आपको सेकेंड स्टेप करनी है सी के बाद, है ना? पर किन लोगों को सेकेंड स्टेप पे नहीं जाना है? अगर उन्होंने सी लैंग्वेज का कोर्स पूरा नहीं करा है, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स नहीं करी हैं, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ी है, और प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स अगर वो बोलते हैं कि उन्होंने कर रखी हैं, 50-100 प्रॉब्लम्स कर रखी हैं, तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछूंगा कि क्या आपने उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देखकर उन्हें समझा था या खुद से सॉल्व किया था? तो पता चला जो व्यक्ति बोल रहा था कि उसने 100 प्रॉब्लम्स कर रखी हैं, उसने शायद 70 प्रॉब्लम्स ट्राई करी और उससे नहीं बनी, तो उसने उसका सोल्यूशन देख लिया और उसने ये मान लिया कि 70 प्रॉब्लम्स उसने करी है, शायद केवल 30 प्रॉब्लम्स ही ऐसी थी जो उसने खुद से कर पाया था। तो वो जो 100 प्रॉब्लम्स बोल रहा है उसमें एक्चुअल में उसको आप 30 प्रॉब्लम्स के बराबर ही गिनिए। तो उसको पहले सी लैंग्वेज में कम से कम 150-200 प्रॉब्लम्स कर लेनी चाहिए। अगर आपने 150-200 प्रॉब्लम्स खुद से बिना सोल्यूशन देखे बिना हिंट देखे बना ली हैं, तो ये सही स्टेज है कि आप नेक्स्ट लैंग्वेज पर जाइए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और फंक्शंस तक टॉपिक लेकिन आपका अच्छे से हो जाना चाहिए और खूब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, प्रोग्रामिंग में आपका हाथ खुल जाना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो आइडियली 2 से 3 महीने लगते हैं सी लैंग्वेज में, और उसके कंटिन्यूशन में आपको अगर आपने सी लैंग्वेज ढंग से पढ़ी तो आप सी प्लस प्लस या डेटा स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी जानकारी काम की लगी हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा कॉन्टेंट आपको काम का लगता है, तो आप लाइक पे क्लिक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कंटेंट लोगों के काम का है तो आप इसे शेयर करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नई चीज़ें इस चैनल पे आती जाती हैं वो आपको मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।